नमस्कार, मैं अनिल शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स बाय पाठक सर में। आज 12th क्लास के स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने डायरेक्टिंग का कंसेप्ट एंड फंक्शंस किए थे। आज का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग करना क्यों जरूरी, क्या इम्पोर्टेंस है डायरेक्टिंग की एक ऑर्गेनाइजेशन में, डायरेक्टिंग करने का मकसद क्या है, ये क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में आते हैं कि व्हाई वी नीड डायरेक्टिंग। जब हम इम्पोर्टेंस समझ लेंगे इसकी कि डायरेक्टिंग क्यों जरूरी है, तो आपको पता लगेगा डायरेक्टिंग की इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो कुछ चीजें अपने माइंड से सोचो, डेवलप करो, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, फिर भी अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए सिलेक्ट किए हैं जो कि आपकी बुक्स में भी गिवन है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का मीनिंग, जिन बच्चों ने कल की वीडियो नहीं देखी वो ये वीडियो देख ले, कल वाली वीडियो देख के तभी इस वीडियो पर आए। मैं हल्का सा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं डायरेक्टिंग है क्या। डायरेक्टिंग आपके जो सबोर्डिनेट्स है उन्हें गाइड करना, उन्हें इंस्ट्रक्ट देना करना, उन्हें मोटिवेट करना, उनको सुपरवाइज करना, ताकि वो क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन में जो गोल्स हैं उन्हें अचीव कर सके। ठीक है, तो यही डायरेक्टिंग है। सपोज कीजिए, अगर एक रेस्टोरेंट का मालिक सभी इंप्लॉइज को बुलाता है और वो ऑर्डर को लेने और ऑर्डर की डिलीवरी तक के बारे में उन्हें समझा रहा है, तो वो उन्हें गाइड कर रहा है, वो उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, और उनकी परफॉर्मेंस वो दिन में देखेगा कि वो किस तरह से काम करे, जिस तरह से उस मालिक ने उन्हें गाइड किया वो उसी तरह से अगर काम कर रहे हैं और वो देख रहा है, तो दैट इज सुपरविजन, वो सुपरवाइज कर रहा है। ठीक है, मोटिवेट करेगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करने के लिए। तो डायरेक्टिंग ये है कि अपने सबोर्डिनेट से बात करके उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करवाना, ठीक है, गाइड करके, इंस्ट्रक्ट करके, और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना ही डायरेक्टिंग है। क्या फायदे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट ये हमने फीचर्स पे भी पढ़ा था। इट इनिशिएट्स एक्शन, एक्शन इनिशिएट करता है। जब तक डायरेक्टिंग नहीं होती तो एक्शन इनिशिएट नहीं होगा, काम नहीं किया जाएगा, क्योंकि इंप्लॉइज नीड टू गेट ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स उस लायक हो जो उनकी समझ में आए। जब तक उन्हें समझ में नहीं आएगा आपका ऑर्डर, वो अपने काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इफ यू वांट दैट द वर्कर्स परफॉर्म दिस ड्यूटी इनिशियल एंड एक्टिवली, देन यू हैव टू मेक दैम अंडरस्टैंड That they perform their duty in a better manner. ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि आप अपने वर्कर्स से चाहते हो कि वो काम अच्छे से करवाए, तो आपको उन्हें समझाना होगा। जब आप समझा रहे होते हैं, आप उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रहे होते हैं, उन्हें काम करने के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं डायरेक्टिंग की एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि इट इनिशिएट्स एक्शन। सेम पॉइंट फीचर्स में भी था, याद रखना, यहां पर एक ही पॉइंट दो जगह काम आ रहा है आपके, इसे याद कर रहे हैं। सेकेंड, इंटीग्रेट्स इंप्लॉइज एक्शन। सेकेंड पॉइंट क्या है, इंटीग्रेट्स इंप्लॉइज एक्शन। वर्ड्स के ऊपर जाइए, वर्ड क्या है, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट क्या है, जोड़ना, किसको, इंप्लॉइज के एक्शन को। ठीक है, एक व्यक्ति है, एक मालिक है रेमंड का, रेमंड टेलरिंग शॉप सभी जानते हैं, उसके पास चार इंप्लॉइज है, ही हैज फोर इंप्लॉइज, नंबर वन इंप्लॉय, नंबर टू इंप्लॉय, नंबर थ्री इंप्लॉय एंड नंबर फोर इंप्लॉय। एक शर्ट बनने के लिए पहले वो यहां पर आता है, ये क्या करता है, शर्ट को काट देता है, ये कटे हुए पीसेस को क्या करता है, जोड़ता है, ये बाजू और कॉलर लगाता है और ये प्रेस करता है, यानी कि सेम शर्ट चार स्टेजेस में जाकर आपका काम परफॉर्म करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल इंप्लॉइज का फंक्शन जो है, काम जो है, वो एक दूसरे पर डिपेंड करता है ना। अगर एक भी वर्कर अच्छे से काम नहीं करेगा तो काम में देरी होगी। ठीक है, तो अब
ये जो मालिक बैठा है रेमंड का, जो बॉस है, वो क्या करेगा, इन्हें गाइड करेगा। क्या गाइड करेगा? काम कैसे करें, आपका काम कितनी देर में हो जाना चाहिए, ठीक है, इस प्रोसेस में कितना समय लगना चाहिए, काम किस अंदाज से करना है, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, इन्हें ट्रेनिंग दिलवाएगा, इन्हें डे का टारगेट बताएगा, इनके साथ डिस्कशन करेगा, इन्हें काम करने के लिए मोटिवेट करेगा, इनकी परफॉर्मेंस को चेक करेगा, ठीक है, और जब चारों मिलकर काम करेंगे अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द रेमेंट ओनर, तो क्या हो रहा, सबका काम जुड़ रहा है और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए क्या कह सकते हैं, इट इंटीग्रेट्स इंप्लॉइज एक्शन, इट इंटीग्रेट्स इंप्लॉइज एक्शन, इंप्लॉइज के कामों को, इंप्लॉइज के एक्शन को क्या कर देता है, डायरेक्टिंग जोड़ देता है, ठीक है। थर्ड, गाइड्स इंप्लॉइज, थर्ड पॉइंट क्या है, गाइड, गाइड क्या करता है आप सभी जानते हैं, है ना, रास्ता दिखाता है, बताता है काम कैसे करना है। किसी भी सुबोर्डिनेट के ऊपर जो सुपीरियर होता है, जो बॉस होता है, वो उनसे ज्यादा जानता है ना, तो वो उन्हें क्या करता है, गाइड करता है कि काम किस तरह से करें, आपकी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो सकती है, वो आपके लिए ट्रेनिंग का बंदोबस्त भी करवा सकता है, वो आपके साथ डे टू डे टॉक करता है, आपको मोटिवेट करता है, टारगेट्स देकर आप कोई सैलरीज पर कमीशन इंसेंटिव्स वगैरह भी जोड़ सकता है। ये सारे काम क्यों, ताकि आपकी परफॉर्मेंस बढ़े। आपकी परफॉर्मेंस बढ़ने से क्या फायदा होगा, सबॉर्डिनेट की परफॉर्मेंस बढ़ने से क्या फायदा होगा, काम ज्यादा होगा, काम ज्यादा होगा तो वर्क जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके टारगेट्स अचीव होंगे, और हमें करना क्या, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट अचीव करने के लिए तो पूरी मैनेजमेंट कर रहे हैं, है ना, तो इसीलिए जो डायरेक्टिंग है उसकी इंपॉर्टेंस ये भी है, इट गाइड्स इंप्लॉइज। फोर्थ पॉइंट, फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी फाइनेंस सॉल्यूशन, एबीसी फाइनेंस सॉल्यूशन, फाइनेंस सॉल्यूशन है तो आप जानते हैं कि यहां पर पैसे का लेन देन का काम है, तो पैसे के लेन देन के लिए अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए। यह कंपनी बहुत पुरानी है और यहां पर जो एम्प्लॉइज हैं वो भी बहुत पुराने हैं, उसमें क्या है कि सभी इंप्लॉइज मैनुअली काम कर रहे हैं। दो तरीका है अकाउंटिंग करने का, एक आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कर सकते हो, कंप्यूटर्स का यूज करके कर सकते हो, दूसरा आप क्या कर सकते हो, हैंडमेड, मैंने कहा पुरानी कंपनी है, हैंडमेड काम कर रही है, मैनुअल अकाउंट्स तैयार कर रही है, कंपनी का बॉस टाइम के साथ चेंज करना चाहिए, वो देख रहा है टेक्निकल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, वो चाहता है कि इस अकाउंटिंग सिस्टम में कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया जाए। अब ये लोग कितने वर्षों से कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, इन्हें सिर्फ हाथ से अकाउंट्स बनाना आता है, कंप्यूटर से नहीं आता, क्या होगा, सिंपली ये क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू रेसिस्ट, इन्हें लगेगा मेरी हमारी जॉब जाएगी, ये कंपनी के इस जो चेंज को है ये मानने वाले नहीं है, ये रेसिस्ट करेंगे, ये कहेंगे हम तो इसको अप्लाई ही नहीं करेंगे, हमें आता नहीं है, बहुत सारी कोशिशें करेंगे कि ये चेंज ना आए। अब कंपनी एक तरफ है, कंपनी का बॉस एक तरफ है, इंप्लॉइज एक तरफ है, दोनों के विचार अलग है, अगर दोनों को लाना है साथ में तो डायरेक्टिंग को इंट्रोड्यूस करना होगा, इस बॉस को बताना होगा कि किस तरह से अकाउंटिंग सिस्टम में कंप्यूटर लाने से हमें बेनिफिट होगा, और यह सुनिश्चित करवाना होगा कि किसी भी इंप्लॉई की अकाउंटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने से जॉब नहीं जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और उसके बाद ही यह इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जब इस तरह से बात की जाएगी तो इंप्लॉइज मान जाएंगे, तो यहां पर डायरेक्टिंग ने क्या किया, डायरेक्टिंग ने इस चेंज को फैसिलिटेट करवा दिया, डायरेक्टिंग के कारण ही यह चेंज क्या हो सका, पॉसिबल हो सका। तो हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज। द लास्ट पॉइंट इज
bring stability and balance in the organization. Stability बनाकर रखती है, organization बनाकर रखती है. देखिए, management and employees दो पहलू है किसी भी organization, ठीक है, दोनों काम करते हैं profits के लिए. लेकिन होता क्या है, मैनेजमेंट और इंप्लॉइज का एक ही तरह से डिस्प्यूट होता है, क्या, प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर. इंप्लॉइज चाहते हैं वो ज्यादा काम करते हैं, उनकी सैलरीज ज्यादा बढ़े, मैनेजर चाहते हैं कंपनी आगे बढ़े और ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करे, इसलिए उन्हें ज्यादा पैसे की जरूरत है. तो दोनों अपने अपने टारगेट्स को, अपने अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं. अब जब दोनों अपने अपने गोल्स के लिए काम कर रहे हैं तो दोनों के बीच में क्या बन गया, एक गैप बन गया. मैनेजर चाहेंगे कि हम तो नई कंपनी खोलेंगे, एक और ब्रांच खोलेंगे, ज्यादा पैसे की जरूरत है, इस बार हम आपकी सैलरी नहीं बढ़ा सकते, ठीक है. इंप्लॉइज कहेंगे नहीं, हम ज्यादा काम किया, हमारे काम से ही प्रॉफिट हुआ, हमें प्रॉफिट का ज्यादा पार्ट हमारी सैलरी से बढ़ाई. तो दोनों के इस टकराव को खत्म करने के लिए, इसमें बैलेंस बनाने के लिए डायरेक्टिंग अपना रोल प्ले करेगी. दोनों के बीच में बातें होंगी, दोनों सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह का कोई बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे एम्प्लॉइज भी सेटिस्फाई हो और मैनेजर्स भी अपने टारगेट्स को अचीव कर सके. दोनों के बीच में जब बात होगी, वो प्रॉफिट्स के बारे में भी बात होगी, वो ग्रोथ के भी बारे में भी बात होगी, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स के बारे में भी बात होगी, और इंप्लॉइज को मोटिवेट किया जाएगा कि फ्यूचर में हम आपको वो साथ और अच्छी तरह से बॉन्ड बनाने वाले हैं, आपके प्रॉफिट्स और बढ़ने वाले हैं. जब इस तरह से डायरेक्टिंग रोल प्ले करेगी, मोटिवेशन का काम करेगी, बेटर कम्युनिकेशन का बात काम करेगी, इंस्ट्रक्ट करेगी कि किस तरह से हम आपके साथ खड़े हैं. मैनेजमेंट का काम एम्प्लॉइज को यह एहसास दिलाना कि वी आर विद यू, हम दो लोग नहीं है, हम एक काम करने के लिए दोनों साथ में करें. जब ऐसे करेंगे तो फर्म में बैलेंस भी बनेगी और स्टेबिलिटी भी बनेगी, ठीक है. तो ये था आपका पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. एक छोटा सा पॉइंट, सिर्फ एलिमेंट्स का नाम बता रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि आप कुछ आगे कर सके. एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, नेक्स्ट पॉइंट है, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग नाम बताऊंगा, फिर एक एक टॉपिक अलग अलग से एक्सप्लेन करेंगे. ये चारों टॉपिक हमें क्या करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं बहुत अच्छे से. एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, नंबर वन सुपरविजन. सुपरविजन क्या है, इंप्लॉइज को काम करते हुए देखना और यह सुनिश्चित करना कि वो अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे. सेकंड, मोटिवेशन, टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट करना ताकि वो अपने टारगेट्स को अचीव कर सके. नंबर थ्री, लीडरशिप, बहुत बड़ी क्वालिटी है ये लीडरशिप. आप जानते हैं एक लीडर के फॉलोअर बनते हैं और फॉलोअर लीडर का पक्ष लेते हैं, तो मैनेजर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए. लीडरशिप भी डायरेक्टिंग का एक एलिमेंट है, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे. नंबर फोर वन इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का कुछ पार्ट इस बार सिलेबस से हट गया है, लेकिन जितना है वो जरूर करेंगे. तो ये याद रखें कि एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग चार है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ठीक है. और लास्ट एक बार फिर से बताना चाहूंगा, समय आधा जा चुका है, कुछ ही महीने बाकी हैं, उसके बाद एग्जाम आएंगे. अपने आप को एक बार पंप अप करो और काम ज्यादा तेजी से करें, दोगुनी रफ्तार से करें. धन्यवाद, आज के लिए इतना ही. चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें.